अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है। सो व्यूअर्स, मैं फाइनली इस टाइम हम लोग मरी पहुँचे हैं और इस टाइम तकरीबन 6:30 बजे का टाइम है। और अच्छा हुआ है कि हम सुबह आए हैं तो हमें यहाँ पे पार्किंग मिल गई है। ये नया प्लाज़ा बना है पार्किंग का, हमें इसका पता नहीं था। और ये मरी माल रोड के बिल्कुल साथ में प्लाज़ा है। एज़ यूजल मौसम बहुत ठंडा है, लाइक स्नो फॉलिंग कुछ दिनों पहले हो चुकी है और उसके बाद आज स्नो फॉलिंग का एक्सपेक्टेड तो था कि है, लेट्स सी के अब बादल तो आए हुए हैं। ये आपको राइट साइड पे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये सारे होटल्स हैं। ये होटल्स की बैक साइड है, इनकी फ्रंट जो है वो इनकी बिल्कुल बैक पे फ्रंट है। और ये सारा बिल्डिंग्स की परली तरफ माल रोड है जो कि स्ट्रीट काफ़ी आगे तक चलता है। सो आए हम चलते हैं मरी के मॉल रोड को डिस्कवर करते हैं कि मरी में क्या क्या चीज़ें हमें खाने को मिलती हैं। ये मनोसरवा गुजरा वाला रेस्टोरेंट है, यहाँ पे इस टाइम नाश्ता बिल्कुल तैयार है और इसके साथ काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको लेफ्ट साइड पे वो सामने दिखा हुआ, वो सामने माल रोड है। और आए हम सबसे पहले मनोसरवा गुजरा वाला रेस्टोरेंट के नाश्तों को विजिट करते हैं कि यहाँ पे नाश्ते में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पे हमारे लच्छेदार पराठे जिनको कहा जाता है वो यहाँ पे बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। अच्छा व्यूज, नाश्ते में मनोसलवा गुजरा वाला रेस्टोरेंट में जो नाश्ते के लिए हमारे पास खाना अवेलेबल है वो नाश्ते में हमें मिलेगा यहाँ पे आलू की भुजिया, आप देख सकते हैं। इसके साथ हमारे पास जो है वो चिकन निहारी है इनके पास अवेलेबल, ये चिकन निहारी है व्यूज। और इसके साथ व्यूज हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है अंडा चने, और अंडा चने के साथ साथ व्यूअर्स हमारे पास ये हलीम है जो कि बिल्कुल रेडी है। और इसके साथ जो है ये नहायत ही मज़ेदार किस्म का है हलवा, जो कि आपके सामने इस टाइम आपको गर्मा गर्म इसमें से धुआं निकलते नज़र आ रहे होंगे। खरीद से हैं सर, ठीक है। अच्छा सुपर व्यूज नहीं, कितना अर्सा हो गया आपके माल रोड पर रेस्टोरेंट ओपन किए हुए? सर जी मुझे 4 साल हो गए यहाँ। 4 साल से आपके? 4 साल हो गए। और उसमें मुझे बताएं कि आपके रेस्टोरेंट के खानों का नाश्ते का मियार क्या है, क्या आप कहते हैं इस बारे में? सर ये खाने वालों से आप पूछ लें मियार कैसे। हमारे चने जो हैं बेहतरीन चने हैं, पूरी मरी में दावे के साथ कह सकते हैं कि सबसे अच्छे चने हमारे होटल में मिलते हैं। यहाँ पे चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, बारबेक्यू, मुकम्मल बारबेक्यू और फिश चप्पल कबाब, हर चीज़ बेहतरीन मिलती है। अच्छा बेहतरीन मिलती है, ऐसा ही है, टेस्ट की गारंटी है। व्यूअर्स, आपको बताता चलूं कि मरी माल रोड पे आपको ऑलमोस्ट सारे इंटरनेशनल फूड चेन्स के जो ब्रांड्स हैं उनके आउटलेट आपको यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। KFC है, OPTP है, इसके अलावा उस्मानिया रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत सारे इस तरह इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं जो कि मरी माल रोड पे आपको बआसानी मिल जाते हैं। व्यूअर्स, मोहम्मदी निहारी वाले बाबा जी आपको यहाँ भी नज़र आएंगे। सो व्यूअर्स, फाइनली हमने एक रेस्टोरेंट डिसाइड किया है नाश्ते के लिए जिसका नाम लाहौर रेस्टोरेंट है। ये बिल्कुल मरी हिल्स का जो रेस्टोरेंट है उसका बोर्ड लगा हुआ, उसके बिल्कुल कॉर्नर पे ये रेस्टोरेंट वाकई है। ये इसके आउटसाइड सीटिंग है और आगे इसके अंदर चल के दिखाते हैं कि इसके अंदर कैसी सीटिंग है और उनके पास नाश्ते में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। व्यूअर्स, ये इनका किचन है जहाँ पे इस टाइम फुल टाइम रश है और हर शेफ और हर बंदा अपनी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है क्योंकि इस टाइम बहुत सा फ्लो है यहाँ पे कस्टमर्स का और नाश्ते तैयार किए जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये चने पराठे, ठीक है, और साथ में खमीरी रोटी। और ये व्यूअर्स, इसके साथ हलवा पूरी भी आ चुकी है।
व्यूज़, आप जी पी ओ से अगर माल रोड पे आप वॉक करते आ रहे हैं तो ऑलमोस्ट अगर मिड पे आप जब पहुँचते हैं तो वहाँ आपको मरी हिल्स का बोर्ड नज़र आता है। ये एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे रूम्स भी अवेलेबल होते हैं। ये आपको बताने का मकसद ये है कि इसके बिल्कुल राइट साइड पे एक गली नीचे उतर रही है जो कि मरी का आप समझ लें कि मशहूर तरीन मार्केट है। चाहे इसका आपको विजिट कराते हैं, ये बहुत बड़ी मार्केट है। ये नीचे डाउन जाते हुए मरी का जो बस स्टैंड है ये वहाँ पर जाती है और इसके अंदर काफ़ी सारी मार्केट्स, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आके शॉपिंग करते हैं। तो आए इसका विजिट करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि इस मार्केट में क्या क्या अवेलेबल होता है। हमारे पास तख्त भाई चप्पल कबाब के ऑनर फजल हकीम साहब मौजूद हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है अल्लाह पाक का। अच्छा फजल साहब, मुझे बताएं कि आपकी शॉप कितने अच्छे से यहाँ इस मार्केट में मरी में वाकई है, और मुझे बताएं कि आपकी शॉप की खास बात क्या है आपके चप्पल कबाब? हमारा जो है ना ये शॉप जो है ना हमारी पैदाइश से भी पहले का बना हुआ है। अच्छा, आप ठीक है? हाँ, और हमारा जो कबाब है ना ये बस मशहूर है, चप्पल कबाब हमारे मशहूर है, चप्पल कबाब आपके मशहूर है। हकीम साहब जो है चप्पल कबाब हमारे लिए स्पेशली रेडी कर रहे हैं और जो कि बिल्कुल फ्रेश है। ठंडा तो नहीं डाल रहे? नहीं नहीं नहीं, इसकी मेकिंग जो है नहायत ही शानदार है। आप देखें किस तरह वो मैश कर रहे हैं इसके अंदर तमाम मिसाला जात। अभी आए थे कि इन्होंने मिसाले डाल रहे हैं इसके अंदर। अच्छा मुझे बताइएगा, ये आपने ये धड़ा मिर्च डाली है जी, जी, और इसके साथ आपने क्या डाला? हरी मिर्च और जीरा और ये धनिया पाउडर। जीरा और धनिया पाउडर इन्होंने ये चपली कबाब के जो बीफ का जो कीमा है इसके अंदर मिक्स किया है। तो व्यूअर्स, ये देखें हमारा चपली कबाब जो कि स्पेशल हकीम साहब ने हमारे लिए तैयार किया है। व्यूअर्स, ये नहायत ही टेंडर है और इसके अंदर जो उन्होंने स्पाइसेस डाले हैं फ्रेश स्पाइसेस हैं, आपने देखा ही होगा साबित धनिया, इसके अंदर धड़ा मिर्च और हरे मिर्च। इसकी इतनी प्यारी सी स्मेल है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम इसको इंजॉय करते हैं और इसके बाद लेके चलते हैं आपको जी पी ओ चौक पर। तो व्यूअर्स, मरी माल रोड पे वाकया ये लाल रंग की बिल्डिंग जिसको जीपीओ कहा जाता है, ये जनरल पोस्ट ऑफिस है। ये बिल्डिंग नहायत ही हिस्टोरिकल, बहुत पुरानी बिल्डिंग वाकया है यहाँ पे।
व्यूअर्स, जब तक यहाँ के जो टूरिस्ट हैं, ट्रैवलर्स हैं, इसकी सीढ़ियों पर बैठकर चाय कॉफ़ी ना पिए, तब तक उनको अपना ट्रिप नामुकम्मल सा लगता है। व्यूअर्स, ये बताता चलूँ, ये बिल्डिंग 1867 में ये इस्टेब्लिश की गई थी, और बहुत से लोग नहीं जानते होंगे ये बिल्डिंग उस टाइम लोअर माल पे वाकया थी, जिसको 1904 में राजा ऑफ कश्मीर ने ये जगह खुद परचेज की और लोअर माल से इस जीपीओ ऑफिस को 1904 में माल रोड पर शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद व्यूअर्स इस बिल्डिंग का काम वैसे ही चलता रहा, और 1983 में इस बिल्डिंग को दोबारा से रेनोवेट किया गया और इसको थोड़ा सा स्टाइलिश बनाया गया, और तब से आज तक ये बिल्डिंग वैसे ही वाकया है, एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। और आप सब जानते हैं, जो लोग मरी आ चुके हैं उनको पता है कि मरी जीपीओ ऑफिस का क्या आलीशान मकाम और शान है।